मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चलिए तो हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं। पर्यावरण में कक्षा 4 के विद्यार्थी पाठ 2 पढ़ रहे हैं। जैसा कि कल मैंने आपको पाठ 2 पढ़ाया था, एक टॉपिक जो लिया था अपन ने, उससे संबंधित 2 प्रश्न मैंने कराए थे और आपको करने के लिए भी दिए थे। 2 प्रश्न कराए थे जो आपने कर लिए होंगे बच्चों। अगर नहीं किए हैं तो बच्चों ये बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है आपको। काम डेली करना है, पढ़ाई घर पर करनी है और किताब ज़रूर पढ़नी है। पाठ जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पढ़ाती हूँ वो तो सुनना ही है आपको, लेकिन आपको खुद भी घर पर पढ़ना है। किताब जिन बच्चों ने अभी तक नहीं ली हैं, किताबें ले लीजिए है। माता पिता से मेरा अनुरोध है कि वो बच्चों को किताबें जल्द से जल्द दिलाएं ताकि बच्चे पढ़ाई के संपर्क में बने रहें। चलिए तो आज हम आगे पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था वातावरण की स्वच्छता और व्यर्थ जल के बारे में, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ते हैं शोषित गड्ढा तैयार करने की विधि। मैंने कल लिखाया था ना कि व्यर्थ जल को हमें शोषित गड्ढे बनाकर उसमें डालना चाहिए ताकि जो पानी है वो बाहर खुला हुआ गड्ढों में ना रहे और जिससे मच्छर मक्खी पैदा होते वो भी ना रहे और हमारा वातावरण स्वच्छ रहे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। उंगली रखिए बच्चों, आप भी सुनिए ध्यान से। शोषित गड्ढा तैयार करने की विधि। शोषित गड्ढा बनाने के लिए नल कुएं और मकान की दीवार से कम 5 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। यानी आपका जो घर है या कुआं है उसकी दीवार से आपको 5 मीटर की दूरी रखनी है। लगभग 1 मीटर गहरा एवं 1 मीटर चौड़ा गड्ढा खोदकर उसकी तली में, यानी उसके तल में, आप जब गड्ढा खोद लेंगे तो नीचे जो तल है उसमें आपको रेत और ईंटों का मिश्रण डालकर ऊपर से स्लेब यानी पट्टी वगैरह से उसको ढकना चाहिए। ये हमारी विधि किसकी है बच्चों? शोषित गड्ढा तैयार करने की विधि। ये प्रश्न भी बनेगा बच्चों, जैसा कि पाठ्यपुस्तक के पीछे भी दिया गया है, शोषित गड्ढा बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर यही आएगा। मैं आपको इसको करके भी बताऊंगी, लेकिन हम अभी पाठ पढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए। हमें चाहिए कि घर से निकले व्यर्थ पदार्थ आसपास सड़कों पर न डालें। यानी हमारे घरों का जो कचरा है वो हमें सड़कों पर नहीं डालना चाहिए, इससे भी बीमारी फैलने का खतरा पैदा हो जाता है। गंदगी के ढेर पर मक्खियाँ बैठती हैं जो अपने पैरों के साथ, यानी जो बाहर रोड पर गंदगी रहती है वही गंदगी हमारे यानी अपने पैरों के साथ गंदगी चिपक कर हमारे भोजन आदि पर आकर बैठती है। जब आप बाहर से आते हो तो गंदगी हमारे पैरों में लगी होती है या मक्खियाँ वगैरह हमारे पैरों पर चिपक के आ जाती हैं, तो वही मक्खियाँ हमारे भोजन पर भी आकर बैठ जाती हैं। और हानिकारक कीटाणु, मक्खियों के साथ साथ हानिकारक कीटाणु, बहुत से कीटाणु ऐसे हमको दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वह कीटाणु बहुत ही हानिकारक होते हैं, वह भी उस पर छोड़ देती हैं। मतलब जो मक्खियां हैं, मक्खियां जब भोजन पर बैठती हैं बच्चों, तो मक्खियों के साथ में हानिकारक कीटाणु होते हैं उनके पंख में, उनके पैरों में, तो वह हानिकारक कीटाणु हमारे भोजन पर छोड़ देती हैं जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। अतः आसपास का वातावरण साफ रखना चाहिए तथा व्यर्थ पदार्थ खुले स्थान पर नहीं डालने चाहिए। हमें हमारा कचरा जो है वो हमेशा जो कचरे वाली गाड़ी आती है उसमें डालना चाहिए, या फिर हमारे जहाँ पर स्थान बनाया गया है कचरा डालने का वहाँ एक बॉक्स रखा होता है उसमें डालना चाहिए, या फिर कोई भी कचरा हमें उचित स्थान पर डालना चाहिए जहाँ बाहर की रोड की तरफ ना फैले, जिससे गंदगी वगैरह ना हो, इससे हमारा वातावरण साफ रहेगा। शरीर से निकलने वाले व्यर्थ पदार्थ मल मूत्र आदि का त्याग भी उचित स्थान पर ही करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि आप सुबह नित्य कर्म करते हो, सुबह जो बच्चे हैं या बड़े हैं जो भी हैं, सुबह का जो हमारा
कार्य होता है, सुबह टॉयलेट जाना है, फ्रेश होना है, तो हमें ये सभी काम खुले स्थानों पर यानी बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें हमारे घरों में जो शौचालय होते हैं, जो हमारे टॉयलेट्स होते हैं, उनका ही उपयोग करना चाहिए। और हमारे टॉयलेट भी वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। वह अगर साफ़ नहीं होंगे तो उनमें भी मक्खियाँ वगैरह, ऐसे मच्छर वगैरह हो जाते हैं, तो वह भी हमारे घरों में ऐसे ही फिर घूमते हैं, जिनसे बीमारियाँ होती हैं। इसलिए हमें हमारे घरों के टॉयलेट को, शौचालयों को साफ रखना चाहिए, उन्हें साफ़ करते रहना चाहिए। अगर हम बाहर कहीं जाते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं, तो वहाँ के जो टॉयलेट होते हैं साफ़ हो, तभी उनका उपयोग करें। नहीं तो हमें हमेशा जो शौचालय वगैरह होते हैं उनका, स्वच्छ शौचालयों का ही उपयोग करना चाहिए, जिससे हम बीमारियों से बच सके। मल त्याग करने के लिए आवासीय जगहों से दूर जाना चाहिए तथा मल त्याग करने के बाद उसे मिट्टी से ढक देना चाहिए। मल त्याग के लिए स्वच्छ शौचालयों का होना अति आवश्यक है। ये हमारा टॉपिक जो है बच्चों, वो है हमारे स्वच्छता के बारे में, यानी हमारा जो आसपास का वातावरण है वो बिल्कुल हमें साफ रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। चलिए आगे देखिए, जल की स्वच्छता यानी पानी की साफ सफाई। जल जो है वो हमारा बिल्कुल शुद्ध और साफ होना चाहिए। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए। स्वच्छ जल के प्रयोग से हम अपने स्वास्थ्य को बिगड़ने से बचा सकते हैं। दूषित जल पीने से अनेक बीमारियां हो जाती हैं, अतः हमें जल की स्वच्छता के निम्नलिखित नियम ध्यान रखने चाहिए। जो दूषित जल है, अगर हम उसका उपयोग करते हैं यानी गंदे पानी का उपयोग करते हैं, तो हमें अनेक बीमारियां हो जाएंगी। वह बीमारियां जैसे मान लीजिए हैजा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, या पेचिस वगैरह, उल्टी दस्त वगैरह, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए हमें गंदे पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें उपचार करने चाहिए। जल को स्वच्छ करने के लिए हमें क्या उपचार करने चाहिए बच्चों? जल को उबाल कर पीना चाहिए, दूषित जल को छान कर प्रयोग करना चाहिए, नल कुएँ तथा पीने के जल स्रोतों आदि से व्यर्थ जल के शोषित गड्ढों पर उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए, कुएँ में लाल दवा का प्रयोग करते रहना चाहिए। बर्तन से जल निकालने के लिए, जैसे आप मटके वगैरह से जब पानी निकालते हो तो आप ग्लास लिया और पूरा हाथ डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको हैंडल वाला बर्तन प्रयोग करना चाहिए। जल में बार बार हाथ ना डालें तथा पीने के जल को ढककर रखें। ये आपका पाठ यहाँ तक मैंने पढ़ाया है बच्चों। इससे हमारे आज दो प्रश्न बन रहे हैं, किताब में भी प्रश्न आ रहे हैं और जो हमने पाठ पढ़ा इसमें भी आ रहा है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है बच्चों? शोषित गड्ढों की विधि का वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न तीसरा है, मैंने दो प्रश्न आपको कराए हैं पहले, कल मैंने आपको दो प्रश्न कराए थे, पहला और दूसरा। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न क्या है देखो ध्यान से, शोषित शोषित गड्ढा बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। विधि का वर्णन कीजिए। अब आपका ये प्रश्न पाठ्य पुस्तक का है बच्चों, और आपके पाठ पढ़ा है उसमें भी ये, हाँ बच्चों, जैसा कि आपको पता मैंने पाठ पढ़ाया, उससे संबंधित ये दो प्रश्न अपने बनते हैं। मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा है, आप देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। शोषित गड्ढा बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। अब शोषित गड्ढा बनाने की विधि हमारे सामने लिखी हुई है, सुनिए। शोषित गड्ढा बनाने की विधि, पहला, शोषित गड्ढा
नल कुएं व मकान से 5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। यानी जो शोषित गड्ढा बनाना है वो हमारे घर से, कुएं से और हमारे नल के जो स्रोत साधन है पानी के, उनसे हमें 5 मीटर की दूरी पर बनाना चाहिए। घर के जो बाहर जो गड्ढा होता है बच्चों, जो आपके किचन का पानी है, जो आपके घरों का बाथरूम का पानी जो जाता है गड्ढों में, वह गड्ढा कहाँ होना चाहिए? घर से 5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए वो गड्ढे, जो वो गड्ढा है उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका माप क्या होना चाहिए? 1 मीटर तो गहरा होना चाहिए बच्चों, और उसकी चौड़ाई भी कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर, ताकि उसमें पानी जा सके। फिर गड्ढे को ऊपर से ढक देना चाहिए। गड्ढे को ऊपर से स्लेब से या पट्टी से ढक देना चाहिए ताकि वह पानी खुला नहीं रहे। खुला रहेगा तो उसमें जो मच्छर जो पनप जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, वो वहाँ पर उड़ते रहते हैं और हमारे घरों में आ जाते हैं, जिससे हमें बीमारियाँ होने का खतरा रहता है। ये आपकी शोषित गड्ढा बनाने की विधि का वर्णन है। ये आपका उत्तर है। आपको ये प्रश्न नंबर जो आपने 2 किया था उसी के नीचे ये तीसरा करना है। अब आइए यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, जल की स्वच्छता के उपाय या नियम बताइए। जल की स्वच्छता यानी कि जल को साफ कैसे रख सकते हैं, जल हम पीने में कैसे उपयोग में लें, हमें जल का किस प्रकार प्रयोग करना है, ये मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा है। आप ध्यान से सुनिए। जल की स्वच्छता के नियम हैं, जल को उबाल कर पीना चाहिए। आप जो पानी पीने में उपयोग लेते हैं बच्चों, उसको उबाल कर ठंडा करके पी सकते हैं। फिर जल को छान कर, जो दूषित जल है, कई बार आपके नलों में पानी थोड़ा सा मैला मैला आ जाता है, मिट्टी मिला हुआ आ जाता है, तो वो दूषित जल होता है। कैसा? थोड़ा गंदा पानी होता है। तो उसको आप क्या करोगे? छान कर काम में लीजिए। फिर कुएं में, जो हमारे गांव होते हैं, गांव में कुएं होते हैं, उनमें क्या करना चाहिए? उनमें हमें लाल दवा का प्रयोग करते रहना चाहिए। समय समय पर कुएं में लाल दवा डाल देनी चाहिए, जिससे हमारा जो कुएं का पानी है वो दूषित ना रहे। जल निकालने के लिए हैंडल वाले बर्तन का, आप मटकी से या बाल्टी से या आपके जो घर में स्टील के जो चरी वगैरह होते हैं उनमें आप हाथ डाल देते हो, बच्चों हाथ नहीं डालना है आपको, हैंडल वाले यानी जो घंटी से उसको बोलते हो उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये जब नियम हम अपनाएंगे तो हमारे बीमारी नहीं होगी। हमें जल के स्वच्छता के नियम अपनाने चाहिए ताकि हम शुद्ध और साफ जल का प्रयोग करेंगे तो बीमारियों से बिल्कुल भी दूर रहेंगे। चलिए बच्चों, ये हमारे 2 प्रश्न हैं। आपको ये उन्हीं 2 प्रश्नों के नीचे तीसरा और चौथा भी करना है। अच्छी अच्छी राइटिंग में करोगे, याद करोगे और घर पर किताब जरूर पढ़नी है। किताब पढ़ोगे तभी ये प्रश्न उत्तर आपको समझ में आएंगे।